और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक और खूबसूरत दिन 13 अक्टूबर 2024 इतवार का दिन, और आज हम एक बार फिर अपने होम स्टेशन चकलाला रेलवे स्टेशन पर आए हैं। और मकसद आज हमारा आने का ये है कि आज जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन को यहाँ से गुज़रता हुआ देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि आज उसमें कौन सा रैक जो है वो प्लेस किया गया है, और उसमें जो बोगियाँ हैं उसकी रेलगाड़ी की, उनकी क्या तरतीब है। तो इस सिलसिले में अभी हम यहाँ पर आए हैं, तो अभी थोड़ा सा विज़िट करते हैं आज का चकलाला रेलवे स्टेशन का, और उसके बाद फिर जाफर एक्सप्रेस का इंतज़ार करते हैं। चकलाला रेलवे स्टेशन का खूबसूरत मंज़र, माशाल्लाह यहाँ पे घास जो काटी गई है उसके बाद बहुत ही प्यारी खुशबू है यहाँ पे, और सही हम इस खुशबू से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये समा है, मौसम भी हमारे शहर का अच्छा हो गया है। और आज अभी हम इस जो चकलाला रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 है, इसके साथ साथ हम ग्रीन जो एरिया है इसका, उसमें इस वक्त घूम रहे हैं। और यहाँ पर एक यूनिक चीज़ नज़र आई है, ये इस रेलवे स्टेशन पर एक पुराना ताला, और इस साइड पे ये खजूर के खूबसूरत दरख्त, और ये जनाब ग्रीन ग्रास एरिया खूबसूरत। और यहाँ पर अभी जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन आने वाली है, उसको फिल्माएंगे। खूबसूरत सुबह माशाल्लाह। लोग सोचते हैं कि एक जगह पे एक बार जाओ तो दोबारा फिर वहाँ पे जाना कुछ अजीब सा होता है, लेकिन ये इतने खूबसूरत पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन है कि जिन पे बार बार आना अच्छा लगता है, क्योंकि स्टेशन का माहौल पुरसकून होता है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे
आके टाइम गुजारना अपना थोड़ा सा, और खूबसूरत रेलवे स्टेशन को देखना और उसके जो पौधे और दरख्त उस स्टेशन पर होते हैं उनको देखकर। और ये इस साइड पे इसको देखे, जो ये इसका प्लेटफार्म पे मुकम्मल तौर पर ग्रीनरी है, खूबसूरत। ये प्लेटफार्म नंबर 3 है चकलाला रेलवे स्टेशन का। खूबसूरत और दिल फरेब मंजर चकलाला रेलवे स्टेशन का, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मुझे यहाँ पे ये जगह लगती है। और तकरीबन एक महीने में 2 या 3 दफ़ा मैं इस स्टेशन पर आकर अपना टाइम गुजारता हूँ। और सामने माशाल्लाह एक हमारे सीनियर सिटीज़न कुछ वर्जिश करके अपने जिस्म को सुकून दे रहे हैं। खूबसूरत इसकी बिल्डिंग 1879 की बनी हुई। जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन बिल्कुल हमारे पास पहुंचने वाली है, तो अभी देखते हैं कि आज इसके रैक में कितनी जो बोगियां हैं उनको शामिल किया गया है। सिक्स फोर वन ज़ीरो ZUC जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन यहाँ से गुज़र चुकी है, तो आज जो उसका रेक था उसमें 4 इकॉनमी क्लासेस थी, 2 AC स्टैंडर्ड और उसके बाद 1 AC स्लीपर और 1 पावर वैन शामिल थी। माशाल्लाह अभी जो दिन का 1:05 हो चुके हैं, तो आज सुबह से हम चकलाला रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं। तो अभी अवाम एक्सप्रेस आने वाली है 14 डाउन,
तो देखते हैं कि उसके साथ आज कौन सा रेक उसके साथ लगाया गया है, ये उसमें कौन सी इकॉनमी क्लास कितनी है और एसी स्टैंडर्ड। तो आज उसको फिल्माते हैं 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, जो थोड़ी देर में चकलाला रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। सिग्नल डाउन हो चुका है और अभी कुछ ही लम्हों में 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस यहाँ से गुजरेगी और हम उसका रैक चेक करेंगे आज। अवाम एक्सप्रेस 14 डाउन बिल्कुल हमारे सामने, माशाल्लाह। अभी हमने 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का रैक देखा, जिसके अंदर 7 इकोनॉमी क्लासेस, एक एसी स्टैंडर्ड और इसके अलावा एक लगेज वैन और एक पावर वैन उसमें शामिल थी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।